उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने पहाड़ में भूमाफियाओं के बढ़ते वर्चस्व और जमीनों की लूट को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने अल्मोड़ा में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली सचिवालय के एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने डांडा कांडा में अवैध रूप से सैकड़ों नाली भूमि कब्जाई है। सरकार ने इसकी जांच भी करा ली है, लेकिन सालों बाद भी इस दोषी अधिकारियों और उसके साथ मिले प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही जमीन का सरकार के पक्ष में जब्तीकरण हुआ। तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से मामले में लेट लतीफी की जा रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि इसमें सरकार की भी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि डांडा कांडा में जमीन कब्जाने वाले इस अधिकारी के खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसके आधार पर बीते दिनों केंद्र सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया। साथ ही प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर डांडा कांडा के जमीन को सरकार के पक्ष में जब्त करने की मांग की। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों की जो निर्मम लूट हो रही है, उसके खिलाफ आज सबसे पहले लड़ने की जरूरत है। और डांडा कांडा में जो प्रेमनाथ, ए बी प्रेमनाथ, जो दिल्ली सरकार में बड़ा अधिकारी था, गृह मंत्रालय, उसको बर्खास्त कर दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और वो यहाँ अपराध, अराजकता और गुंडागर्दी का माध्यम था। तो आज तक उसकी जमीन जो प्लीजेंट वैली फाउंडेशन है, जिसमें तमाम जांच के बाद है, वो आज तक जब्त क्यों नहीं हुई? जब केंद्र सरकार, जब राज्य सरकार ने सुनवाई कर ली है नियमानुसार, तो वो आदेश क्यों नहीं आ रहा है? तो इस बात का जवाब उत्तराखंड की सरकार को देना चाहिए। और अगर सरकार जवाब नहीं देती, तो उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड के लोगों को इस सवाल पर लड़ना पड़ेगा। और हम जमीनों के सवाल को, प्राकृतिक संसाधनों के सवाल को प्रमुख सवाल मानते हुए हम संघर्ष करेंगे। हमें अफसोस है कि कोई भी विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, और भाजपा तो उसमें अभी सरकारी में है, तो उसमें से कोई भी इन सवालों को नहीं उठाता है, नहीं लड़ता है, और वर्षों तक, 15-15 साल तक लोग लड़ रहे हैं, और उनको जुल्म उन पर हो रहे हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, उनके खिलाफ जांचें हो रही हैं। तो इन सब में जो शामिल हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।